खुदाई कर रहे हैं अपने चूल्हा पे, क्योंकि यहाँ पे खाना कल बनाने कारीगर जो कल कल यहाँ पे बनाएगा। मैं तो एक बार अच्छा से हाय बोल दूँ। हेलो गाइस, ये इनका घर है, गांव का घर। ये हम लोगों का नानी, हमारा नानी, मामा का मम्मी। गुवाहाटी में होता है, एक भी फूल नहीं रहता। लोग इसको पहचानते हैं, ये है गोबर। गोबर हम लोग की गो माता का टट्टी। हेलो गाइस, तो मैं आया हूँ गांव और आप जो देख रहे हो, मैं ये लेपा पोती कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें बनाऊंगा खाना। इसी मुर्गी के जैसा मेरा हालत हो गया है, भाग दौड़ जिंदगी, और ये खड़ा होके देख रहा है। ठीक है ना गाइस, तो मैं लग जाता हूँ अभी खाना बनाने। पहले नहा लूंगा, उसके बाद मैं बनाऊंगा खिचड़ी और मिक्स वेजिटेबल। ये है मेरा मम्मी। मम्मी हेलो बोल दो सबको। हेलो बोल दो। कौन उग गया? तो आज हम लोग बनाएंगे खिचड़ी और मिक्स वेजिटेबल। हम लोग बंगाली में उसको लाबरा बोलते हैं। तो गाइस, ये है मेरा रूम, ठीक है ना, ये मेरा ही बेडरूम है। मैं टीवी देख रहा हूँ और मैं काटने वाला हूँ अभी सब्जी। तो सब्जी काटने से पहले मेरे घर में कोचू को क्या बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो, ये वाला आप देख लो। ये देखिए कितना बड़ा करके हुआ है और इसमें इचिंग भी नहीं है गाइस। तो मैं एक तोड़ लेता हूँ बड़ा करके, पीस दो ही ले लिया मैंने, और ये आएगा आपका मिक्स वेजिटेबल सब्जी में। ये गाइस दो कितना बड़ा बड़ा मिला है मुझे। मैं आपको पहले सब्जी दिखा देता हूँ क्या क्या आएगा। पहले आएगा बैंगन, ये बैंगन आएगा लबरा में। भिंडी आएगा, ये भोल है। टमाटर, पटल, और ये झींगा लोकल है, मुझे हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं। ये पामकिन रंगालाव बोलते हैं, इसको पपाया हम लोग यहाँ पे ओमिता बोलते हैं। और ये डाटा का साग, और ये एक लाव है, पानी लाव बोलते हैं। और ये लेसरा लौकी बोलते हैं क्या? ओके लौकी। ये आलू, और ये कोचू है, कोचू के अंदर में जो रहता है। और ये दूध कोचू है जो ये इचिंग नहीं करता है गाइस। तो आप देख सकते हैं ये सारा, ये मिर्चा बाद में आएगा। तो गाइस अभी मेरा डाटा हो गया है, डाटा का पत्ता सब निकल लिया। यहाँ पे है सभी डाटा, मैं अभी आलू को चुपे लगा हूँ, ठीक है ना गाइस। तो बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस मैं टीवी देखते हुए आराम से सब्जी काट रहा था, थोड़ा स्पीड दे दिया है क्योंकि ब्लॉग जो है ये मेरा बहुत बड़ा हो गया है, और ज्यादा बड़ा लंबा खींचूंगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, है ना गाइस। तो देखिए मैं एक एक सब्जी कैसे करके काट रहा था वही आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है गाइस। और बने रहिए क्योंकि मैं कैसे बनाता हूँ ये आइटम्स आप लोगों को दिखाऊंगा। और आप देख सकते हो मेरा मम्मी पीछे में कितना मजे से मेरा सब्जी काट रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, देख रहा है और तारीफ भी कर रहा था आज बेटे के हाथ से खाऊंगा। एक्चुअली पूजा भी था, विश्वकर्मा पूजा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जोया को, जो मेरा भतीजी है, वो पूजा में व्यस्त था और मैं सब्जी मतलब खाना बनाना किचन में ही संभाल लिया उस दिन के लिए। और आज हम लोग प्याज लहसुन कुछ नहीं खाएंगे, प्योर वेज होगा, प्योर वेज, क्योंकि पूजा था गाइस इसीलिए। अभी इसका करना है साफ, तो अभी मैं जा रहा हूँ इसको साफ करने के लिए गाइस। थोड़ा दूर है लेकिन जाना जरूर है। अभी करेंगे इसका साफ गाइस। अभी मैं सब्जी धोने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। टिक टिक। Thank you.
तो मैंने साग और मिर्चा धो लिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये धुलाई करके रख दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं अभी साग को भी बनाऊंगा, लेकिन शायद मैं इसका वीडियो शेयर नहीं करूंगा, और बाकी मैं जो बनाऊंगा मिक्स वेजिटेबल वो जरूर शेयर करूंगा। तो मैं जल्दी से साग भी काट लेता हूँ क्योंकि मुझे साग भी बनाना था, है ना गाइस। अभी मैंने यहाँ पे अदरक ले लिया है, ठीक है ना, अदरक और जीरा, तो मैं इसको अभी करने वाला हूँ पेस्ट। फाइनली गाइस पेस्ट मेरा बन गया है, तो अभी मैं जाता हूँ चूल्हा में खाना बनाने के लिए, लेट्स गो। सारा रेडी कर लिया, पहले तो मैं साग बनाऊंगा, और मैंने आग भी बहुत कष्ट से लगा लिया। यहाँ पे ऐसा एक डिब्बा था, ठीक है ना गाइस, तो मैंने इसको तोड़ के लकड़ी बनाया और उसी लकड़ी से मैंने आग लगाया, तो फाइनली ये आग लग चुका है। अभी मैं बैठा देता हूँ इसमें कढ़ाई बैठ चुका है गाइस, तो ये गर्म होने देंगे, उसके बाद तेल डाल के पहले तो मैं साग को बना लेता हूँ। अभी इसमें आएगा सूखा मिर्च, सूखा मिर्च इसमें दे दिया है गाइस। अभी इसमें आएगा आपका जीरा, और फिर मैं इसमें ऐड करता हूँ जीरा। अभी आएगा साग, ये साग है डाका साग। वैसे तो सांभर में आप प्याज लहसुन दे सकते हो, मेरा वेज था तो इसलिए मैंने जीरा को ही दे दिया। थोड़ा सा नमक, अभी इसको थोड़ा टाइम के लिए देंगे ढक, अभी थोड़ा इसको ढक देंगे गाइस। हालत क्या है देखता हूँ गाइस, आएगा थोड़ा सा हल्दी, तो ये ऑलमोस्ट डन है गाइस। तो मैं अभी एक निकाल लेता हूँ बर्तन, फिर से मैं ये बैठा देता हूँ कढ़ाई, क्योंकि अब इसमें बनेगा मिक्स वेजिटेबल। फाइनली कढ़ाई जो है गरम हो चुका है गाइस, इसलिए मैं अब इसमें डाल रहा हूँ तेल, थोड़ा ज़्यादा करके तेल डाल दिया, क्योंकि गाइस सब्जियाँ भी बहुत है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए साइज बहुत ज़्यादा सब्जियाँ है, तो तेल तो इतना ज़रूर लगेगा। तो तेल गर्म हो रहा है, मैं बाकी मसाला रेडी कर लेता हूँ, तब तक आएगा तेज पत्ता, उसके बाद आएगा सूखा मिर्च। तो ये जो मसाला है इसको पांच फूरन बोलता है, ठीक है ना गाइस। पूरा फुल हो चुका है, मुझे नहीं पता कैसे हिलाएंगे, इसमें नमक दे देता हूँ, तो फिलहाल मैं, और अभी मैं इसको धीरे धीरे हिलाऊंगा गाइस, तो मैं वीडियो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अकेला ही वीडियो कर रहा हूँ और अकेला ही बना रहा हूँ, तो मैं पहले इसको अच्छे से हिला लेता हूँ, ठीक है ना गाइस। ये देखिए पूरा मिक्स किया है गाइस, गरीब आदमी इससे बड़ा कढ़ाई है नहीं, तो इसको ढक देता हूँ 5-10 मिनट के लिए, है ना गाइस, तब तक ये पकता रहेगा, और मेरा हालत आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस। कैन यू सी माय हालत, मैंने सब ये करा, तो ये थोड़ा मच गया है, मच गया कि कोई तस्वीर नहीं। इसमें आएगा पहले कच्चा मिर्च, बाद हल्दी, उसके बाद धनिया पाउडर, ये है मिर्चा पाउडर, ये ज़्यादा रेड नहीं है गाइस क्योंकि ये लोकल है, बहुत छाल होगा इसमें, जो मैंने पेस्ट करके रखा था अदरक और जीरा, ये डाल देता हूँ मैं इसमें, करना है इसको अच्छे से मिक्स। तो मैं मिक्स करता हूँ गाइस, क्योंकि मैं ना एक हाथ से मोबाइल पकड़ रहा हूँ और एक हाथ से बना रहा हूँ, इसमें स्टैंड रखने का भी कोई जगह है नहीं गाइस, तो पहले मैं बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को इसका फाइनल लुक्स भी दिखाता हूँ, ठीक है ना गाइस। जैसे ढक दिया था तो ये देखिए, अब इसका सिर्फ सूखने के लिए बाकी है गाइस, तो इसको थोड़ा मैं देता हूँ हिला डुला, अगर ये पानी सूख जाएगा तो ये सब्जी जो है मिक्स हो जाएगा, तब ये डन हो जाएगा, है ना। पानी सूखने का देरी है गाइस, ये जी कल के सारा दिन घुर से दाई से आज के गाड़ी धोते से आज के गाड़ी धोर कथा मन पड़ से।
गाइस उधर में मेरा मिक्स वेजिटेबल हो रहा है, टाइम हो गया है, तब तक मैं अपना स्कूटी को रगड़ रगड़ के धो लेता हूँ। एक्चुअली विश्वकर्मा पूजा भी है और धोना बनता है, तो मैं बाहर से नहीं धुलाया, घर पे ही मैंने इसको अच्छे से धुलाई करके साफ कर दिया और उसके बाद इसका पूजा भी किया गया है। तो फाइनली मैं एक चीज भूल गया होगा, गया था ये चाना देने के लिए, जो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था। ऊपर से मैं स्कूटी धोने के लिए चला गया था, तो अभी मैं ये डाल रहा हूँ। आई होप ये बॉयल हो जाएगा टाइमली गाइस, क्योंकि अभी पानी सूखने के लिए थोड़ा टाइम है, तो इसको अभी रख देते हैं। वैसे भी मिक्स वेजिटेबल है तो मिक्स तो होना ही है, अभी भूल गया था डालने के लिए, क्या करे, है ना गाइस। आ रहा है, यहाँ पे गाड़ी ढूंढ रहा है, यहाँ पे खाना बन रहा है, वहाँ पे मम्मी खड़ा है और यहाँ पे मैं हूँ। तो इसमें घी डालूंगा मैं, तो ये डाल दिया इसमें घी, अब इसको करूंगा मैं मिक्स। तो फाइनली मेरा पक चुका है जो मिक्स वेजिटेबल था, तो ये है फाइनल, बन गया है। अभी मैं बिठाने वाला हूँ खिचड़ी गाइस। एक बार मैंने लबड़ा बनाया और एक बार मैंने कुछ फ्राई किया था ब्रेकफास्ट के लिए, वो नहीं दिखाया आप लोगों को, जो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो कढ़ाई साफ करने के बाद उसमें पानी लेके मैं सीधा देता हूँ बैठा पानी गर्म होने के लिए, है ना। और मैंने एक बार लकड़ी जो बनाया था, आई मीन ये जो तोड़ तार के, वो खत्म हो चुका है, तो फिर से और एक था उसको भी मैं तोड़ लेता हूँ। और फिर मैं दाल चावल दोनों एक साथ धो लेता हूँ। धोने के बाद उधर पानी तो गर्म बैठा दिया है गर्म होने के लिए, वो ऑलरेडी गर्म हो चुका है, तो मैं सीधा धो धा के उसमें डाल देता हूँ। और गाइस कढ़ाई मेरा बहुत ही ज़्यादा छोटा पड़ा था खिचड़ी, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि इतना भर जाएगा। उसके बाद जो मेरा हालत होता है आप देख सकते हो, फिलहाल मैं आराम से बैठा देता हूँ। इसमें मैं नमक वगैरह देके, क्योंकि पहले बिठाने के बाद सिर्फ नमक ही ऐड होगा, इसमें संभारा लगेगा वो बाद में दिख। अभी बस इसमें कुछ काम नहीं है, आग अच्छे से देना है, इसलिए मैं थोड़ा हिला के इसको आराम से रख देता हूँ। और अभी जो मैं देख रहा हूँ गाइस, ये बढ़ता जा रहा है, राइट ऊपर हो गया है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो गाइस जैसे तैसे मैंने ये किया, फिर इसको जो है मैं आप देख सकते हो डाल के ट्रांसफर कर दिया। और फिर मैं 7-8 काचा मिर्च इसमें ऐड कर देता हूँ गाइस। अभी इसमें देंगे 2 चम्मच जैसे हल्दी, हल्दी देख के मिक्स कर देंगे ताकि ये गाढ़ा ना हो जाए, इसलिए धीरे धीरे मिक्स करके डाल देंगे। तो अभी इसमें फाइनल संभारा देना बाकी है गाइस। तो किचन के अंदर में ही मैं एक कढ़ाई बैठा देता हूँ और उसमें ले लेता हूँ मैं सरसों का तेल, और इसमें डालेंगे अभी तेज पत्ता, उसके बाद सूखा मिर्च, तेज गोटा जीरा और 5 फोरन है गाइस। अब इसमें आएगा अदरक जीरा का पेस्ट, भाग के आइए, कम ऑन। आएगा इसमें घी, तो फाइनली गाइस मेरा खिचड़ी बन गया है, अब खाने का देरी है गाइस। तो मैं एक बार नहा चुका हूँ, फिर से साफ सफाई करके नहाऊंगा, उसके बाद सीधा खाने के टेबल में आपके साथ में ज्वाइन हो रहा हूँ। अभी मैं ये झाड़ू देके इसके बाद नहा लेता हूँ, थक गया मैं। वीडियो करो, खा रहा है, मुझे भी खिला दो, इसे ले। Can you see that? Yummy guys. Okay guys, मैं नहा के आता हूँ। तो फाइनली हम लोग खाने के लिए बैठ गए हैं, ये मेरा थाली और ये गौरव का थाली।
वाह ऑसम टेस्ट गाइस। तो आज के लिए इतना ही, अभी मैं आराम से खाता हूँ, आऊंगा अगले ब्लॉग में कुछ अच्छा सा लेके। ओके गाइस, बाय, लव यू।